हेलो गाइस, मैं सर नवीन एंड आई एम फ्रॉम श्री अरविंदो कॉलेज इवनिंग। हम सब यहाँ पे आए हैं अपने काउंसलिंग में, हमें एक छोटी सी एक्सटर्नशिप थी करनी, तो हम इस वजह से यहाँ पे आए हैं। ये हैं मिश्र आकाश, कपिल, विधि और शाश्वत। हमारा पहला डे जो था वो काफ़ी पहले हमें लगा कि यार कहाँ पे जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, मगर जब यहाँ पे आए, एक्सपीरियंस किया और फाइनली हम कहीं गलत जगह नहीं आए हैं, ये मुझे भरोसा हो गया लग रहा है। हमने जो सीखा, हमें ये लगा कि कैसे सिस्टमैटिक रहना है, ये नहीं कि सीधा प्रॉब्लम पे जंप करें, पहले उससे पहले एक अपने एक प्रोसीजर बनाया, उसके बाद ही सिस्टम के अकॉर्डिंग हम चले। हमारा मेन जो मुद्दा था कि जो हमने सर को बोला था कि सर हमने सिर्फ काउंटिंग प्रोसेस देखने हैं, बट जैसे सर ने हमें एक्सप्लेन किया कि कैसे कैसे चीज़ें वर्क करती है, सिर्फ एक चीज़ नहीं होती, हर चीज़ का एक लिंक होता है, तो वो एक जो प्रोसीजर फॉलो अप होता है यहाँ पे। एंड लाइक हमने ऐसे बंदे भी देखे हैं जो बिल्कुल जो एडिक्टेड थे, जिनके हमने केस लिया उनका, एंड लाइक उनसे बात की तो पता चलता है कि उनको कैसी प्रॉब्लम थी एंड लाइक कितना वो एडिक्टेड थे इन चीज़ों पे। पर धीरे धीरे उनको एक साल हो चुका था एंड स्टिल अब जो है बहुत चेंजेस उनके बिहेवियर में अब दिख रहे थे। जो वो बोल रहे थे वो उनका प्रीवियस था और अब जो दिख रहा था वो उनका प्रेजेंट था, तो शफा होम्स के वजह से बहुत उनमें चेंजेस आए हैं। शफा होम में हमने ये सीखा, क्योंकि सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि काउंसलिंग बुक्स में अलग होती है, जब हम उसको प्रैक्टिकली जब उसको हम अप्लाई करते हैं वो एक बड़ी डिफरेंट हो जाती है। बुक्स हमें सिर्फ पैरामेट्रिक फॉर्म देती हैं, लेकिन एक्चुअली लाइफ में हमें कैसे डील करना है वो हमें यहाँ से सीखने को मिला। जब हम पहली बार यहाँ पर आए थे, जैसा नवीन ने बताया कि सबसे पहले हमें थोड़ी झिझक सी हो रही थी कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमें कैसा एनवायरनमेंट मिलेगा, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सब हमारे दिमाग में था। लेकिन जब हम यहाँ पे आए, जब हमने सर से बात की, तो हमें लगा कि हाँ, हम सही जगह पे पहुँच गए। फर्स्ट डे पे हमें शफा होम के बारे में बताया गया, ड्रग्स के बारे में बताया गया, ड्रग एडिक्ट के बारे में बताया गया, उससे हमें हमारे जो ड्रग्स एडिक्टेड के बारे में जो हमारी परसेप्शन थे वो बिल्कुल टोटली चेंज हो गए। पहले हमें ये लगता था कि ड्रग एडिक्ट जो होता है वो गंदा सा होता है, उसकी शेव नहीं होता, गंदे कपड़े पहने होते हैं उसने। अब यहाँ पे आके हमें पता चला कि ड्रग एडिक्ट जो होता है उसके अगर हम बैकग्राउंड में जाएँ, बैकग्राउंड में जाके हम देखेंगे कि वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्सन है, बस उसने सिर्फ एक गलती ये की होती है कि वो फंस गया, ही वॉज ट्रैप्ड। और कोशिश यहाँ पर ये होती है कि उसको पूरा एनवायरनमेंट दिया जाए, उसको पूरा हीलअप करने के लिए उसको दवाइयाँ भी दी जाती हैं, उसको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे वो पूरी अपनी लाइफ की जो पूरी लाइफ का जो उसका क्या बोलते हैं उसको नींव रखता है वहाँ पे वो, ताकि उसको यहाँ से बाहर निकलने के बाद उसको क्या एनवायरनमेंट मिलता है। आज हमने पहली बार काउंसलिंग सेशन देखा, अपना ज़िंदगी का पहला काउंसलिंग सेशन हमने देखा, उसमें हमने जाना कि कैसे कैसे हमें क्लाइंट से बात करनी चाहिए, किन पॉइंट्स पे आके क्लाइंट जो है वो बाधाएं उत्पन्न करता है ताकि वो अपनी बात को ना आगे बोल पाए, क्या क्या उसके वीक पॉइंट्स होते हैं, इन तमाम बातों को हमने आज जाना। हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। मैं ये भी जानना चाहूँगी, जैसे मतलब आपके दिमाग में यहाँ आने से पहले एक कॉन्सेप्ट होगा रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के बारे में, या मिस कॉन्सेप्ट या कॉन्सेप्ट जो भी होगा, तो वो कुछ चेंज हुआ आपका कि मतलब शफॉर्म आके आपको कुछ मतलब ये जो आपका कॉन्सेप्ट था कि एक रिहैबिलिटेशन सेंटर चार दीवारी बंद हो ऐसे कुछ होगी, सेल होगा इस तरीके का? नहीं, मुझे पहले लगता था कि जैसे मान लो ये जो एनजीओ वगैरह हैं इनमें क्या है कि मतलब भाई बंदे टूच दिए जाके और उनको सिर्फ मारा जाता है कि भाई यहाँ पे मैं दारू नहीं छोड़ रहा, उसको मार रहे हैं, उसको मतलब पीट रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आके जब मैंने बंदों से बात करी तो मुझे लगा कि उनको एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया मिल रहा था, कैसे ही बंदे थे वो, उनको यहाँ एनवायरनमेंट बिल्कुल प्रॉपर कंडीशन से दिया गया है, जो भी है मतलब उनको अपने जैसे आपस में हम बात करते हैं उनसे वैसे उनकी काउंसलिंग करी गई है, अच्छी तरह उनसे मतलब उनको बढ़िया तरह मोटिवेट करा गया, बताया गया है, कोई मारपीट नहीं, आराम से जैसे वो कहते हैं कि मतलब अगर वो कोई काम नहीं कर रहा तो उसको अकेला बिठा दिया, यहाँ के जो मतलब टेक्निक्स हैं वो उन क्लाइंट को बहुत बढ़िया लगी, वो आराम से मतलब कोई यहाँ मतलब मारपीट वाला सीन नहीं, जो मुझे पहले लगा था कि भाई मतलब एनजीओ में ऐसी होता है मारते वारते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन इनकी टेक्निक्स वगैरह ये सब बहुत बढ़िया लगी, क्लाइंट भी मतलब खुश है यहाँ पे, मतलब वो खुद कह रहा है कि मतलब मुझे जाने का कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ उनके साथ, मतलब खुद सेल्फ मोटिवेटेड है वो, आराम से बढ़िया, मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है जिस हिसाब से बंदे से मैंने बात करी है, तो यही सब। और आप में से कुछ लोग थे वो एक का सेंड ऑफ था, मतलब एक रिकवरी एडिक्ट था जिसने अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट किया, वॉलंटरी भी कंप्लीट करी,
तो उसमें शेयरिंग में आप लोग भी थे, तो उस पर कुछ आप शेयर करेंगे अपने व्यूज? वो एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट रहा है यहाँ का, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, जैसे स्कूल में फेयरवेल्स होती हैं, स्कूल में एक एनुअल फंक्शन होता है, उसमें हम ऑडियंस को फेस करते हैं। मेरे ख्याल से वो उसमें एक प्लान था वो, कि भाई जब आप सोशल गैदरिंग में होगे, जब आप ऑडियंस को फेस कर रहे होगे, तो आपको किस तरह से बात करनी है। और उसमें इंसान जो है, जो जब घर वाले उसको यहाँ पे छोड़ने आए थे, तो उसके दिमाग में क्या था कि मैं तो ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। लेकिन जब उसने मेहनत की और उसने अपनी ट्रेनिंग पूरी की, तो उसके बाद का जो उसका फेस है, जो उसे लाइफ शुरू करनी है, उसका एक पॉजिटिव बूस्ट उसको यहाँ से मिल गया। तो ये अपने आप में बहुत पॉजिटिव फैक्टर यहाँ का मैंने देखा है। बिल्कुल, उसके पास अब होप है, मोटिव भी है ये सब करने के। हाँ, मैंने भी उससे बात करी एक पेशेंट से, तो मतलब वो मैंने उससे पूछा कि भाई मतलब अगर तू यहाँ से बाहर निकलने के बाद तू आराम से तो दोस्त मिलेंगे, वही एनवायरनमेंट मिलेगा, तो वो तुझे दोबारा कहेंगे आने के लिए। तो कह रहा है इन्होंने मतलब हमें यही सिखाया कि ना कैसे करना है। हर बंदे में मैंने 6 बंदों की क्लाइंट मतलब उनसे बात की है, हर कोई यही कह रहा कि हमें मतलब सब पता है कैसे मना करना है उस बंदे को या कैसे रहना है। तो मतलब यहाँ का मतलब वो कह रहा है कि मतलब यहाँ की मतलब उन्होंने कहीं और भी मतलब ये ली थी, लेकिन वहाँ से बढ़िया वो कह रहे हैं हमें सबसे बढ़िया यहीं पर लगा, क्योंकि इनके जो टेक्निक है, इनकी जो मतलब बात करने का तरीका है, जो सब कुछ है, वो उनको बढ़िया लगा सब। बिकॉज पेशेंट की छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स जो है कंसिडर की जाती है, इनफैक्ट जो छोटी उनकी प्रॉब्लम्स होती है, जो हमें लगता है छोटी है, बट उनके हिसाब से वो बहुत बड़ी होती है। कभी कभी हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं, बट उसको कवर अप करना, उसको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड ये सफर हम कर रहे हैं।